क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट थर्ड का हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है इन सब चारों में से, और सबसे कम ब्रांचिंग। क्वेश्चन है, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज, सनलाइट की प्रेजेंस में मीथेन में जो ब्रोमिनेशन होता है उसे कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी ऑप्शन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, यह भी करेक्ट है। क्लोरोफिल में क्रोमियम पाया जाता है, यह स्टेटमेंट गलत है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, Mg, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट मोस्ट रेडली विद ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ अल्कोहल का ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री सबसे कम। तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल कौन सा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट और 4 या 5 मिलाकर एलिमेंट्स होते हैं 28, फोर्थ ऑप्शन। ट्राई आइडोमीथेन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ, ट्राई आइडोमीथेन में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि उसमें लेबलेशन होता है फ्री आयोडीन का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन, व्हिच इज द नॉन लेंथेनाइड एलिमेंट। नॉन लेंथेनाइड यानी लेंथेनाइड नहीं है, कौन सा, एल ए लेंथेनम, लेंथेनाइड नहीं है, डी ब्लॉक का है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। क्वेश्चन है, SN1 रिएक्शन इज फास्टेस्ट इन, SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के, और इनमें सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा सी वाले में, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। लेंथेनॉइड कॉन्टेक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन, लेंथेनॉइड कॉन्टेक्शन होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन है, मल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, मल्टोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज का, फर्स्ट ऑप्शन।